नमस्कार, आज मु घरे बनाउची मोतीचूर लड्डू। आगकु गणेश पूजा आसुची, आमे सहज उपाय रे घरे बनै परिबा मोतीचूर लड्डू। मु एठी गोटे क बेसन नैची, एथरे आमे बहु सारा लड्डू बनै परिबा। याकु भल भावरे प्लेन करी चले नेले एतरा ओ दाना दाना भी बाहरी बनी। एथरे मु अल्प किछ लुण, भल कलर आसवापी मुझे फूड कलर दे दूची, अल्प पा मिसेक आम हल्का हल्का गोल नवा, एका थे पा दे गोल, अल्प अल्प पा देखिए मिसेबे। बस बहलिया कि बेस पाया कर ये टाइप रे भल भाव गोल, बेस पाया है कि बेस गोलिया है, दाना दाना भी ना ए परफेक्ट गोलाई। चलत बनवा, मुठी गोटे पेन रे रिफाइन ऑयल दे गरम हेले आम बन, बेस हाई फ्लेम रे तेल को गरम करियानी, मीडियम लो फ्लेम रे आम गरम करके पकेबा। तेल आमर गरम हो गला, देखु सब आम एपट सेपट कर सब पकेबा, गोटे जगार जमार भी पकेबे नी। एपट सेपट कर पकेले आम जल्दी भी हम, जमी पकुड़ी आम बनाती सेमती से टाइप एपट सेपट कर सब पकेबा। आपको पूरा हार्ड करके छाणवा, जेहेतु आपको ग्राइंडिंग करवा से पूरा खड़खड़ करके छाणवा। घरे बना पूरा कम समय, बहुत कम समय मोतीचूर लड्डू घरे आम पूजा पर्व बन पार। आमर एगला बाहर कर ना, एमती सब गुड़ा बैटर को पकई नवा। देखु या चटू सा भी आपको देखेबी जाली रे केमी बुंदी हो, सुंदर बुंदी आमर तैयारी हो। आपको जोटा सहज लगे आपन से टाइप रे बुंदी बनइबे, एमती भी बनई पारे छाणी ताको ग्राइंडिंग भी करी पारे। बुंदी गुड़ा आम कैसे सुंदर होपको दुई प्रकार बुंदी बनई देखली, आपको जो सुविधा हम आप बन पारे। मैं सब बाहर करना अच्छी लड्डू पाई बनई थोड़ा, देखो ये सब थंडा हो गला, आपको आम ग्राइंडिंग करना, छोट छोट पीस करके ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग कला बेले बेस प्लेन करें, टे खदड़ा रखिक आपको ग्राइंडिंग करवा, अल्प अल्प कर ग्राइंडिंग करवा। ग्राइंडिंग कला पर देखो पूरा प्लेन मु करनी, खदड़ा खदड़ा करके ग्राइंडिंग करमती सबको आम ग्राइंडिंग कर ना। एमर सब ग्राइंडिंग सरीगला, एवं चलतु बुंदी सीरा तैयारी करवा। ये मुझे गोटे कड़ई बसई, एक कप्रे मुझे बेसन नहीं, एक कप्रे भी मुझे चीनी गोटे कप नौ, पा भी मुझे गोटे कप दे दूची, आपको आम भल भाव फुट। चीनी सब आम मिसीगला, बुंदीर भल बास्नापी कि गुजराती मुंड मुझे पकई दौ, फूड कलर दे दूची। सीरा को आम तार भि भी करानी है कि ना, एमती देखु अठांश आसिले बुंदी पकई गोल। आम सीरा आम भल भाव फुटिगला, एवं मुझे सब पकई गोल नेबी, पक
ଦେଇକି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବେ ଯେମିତି ବେଶୀ ଶୁଖା ଶୁଖା ରହିବନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୁନ୍ଦି ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା ଥଣ୍ଡା, ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବ, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଘିଅ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଠି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପିସ୍ତାକୁ କାଟିକି ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକେଇବେ, ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପିସ୍ତା ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଛି, ଏବେ ହାତରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଲି ସବୁ ବନେଇବା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ବୁନ୍ଦି ବନେଇବା ଲଡ଼ୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ, ଛୋଟ ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଲଡ଼ୁ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ଲଡ଼ୁ। ଆକୁ ମୁଁ କାଜୁରେ ସବୁ ସଜେଇ ଦେବି ଏ ଲଡ଼ୁକୁ। ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନରେ ଆମର କେତେଟା ଲଡ଼ୁ ହେଇଛି, ଘରେ ବନେଇକି ଏମିତି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଘରେ ଲଡ଼ୁ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।